हे दोस्तों, वेलकम टू एक्वेस्टिव एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दीपक पुनिया जी के बारे में। हम लोग देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपना नाम रेसलिंग में 86 कैटेगरी के अंदर करा था। हम लोग ये साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से मात्र 22 साल की उम्र में इन्होंने भारत का नाम रोशन करा था। आज की वीडियो में हम लोग इनके बारे में इन डिटेल सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं उन्हें क्लियर कर सकूंगा। या फिर अगर आपके कोई सजेशन है तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं दीपक पुनिया जी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इनका नाम टॉप फोर में दिया था। टॉप फोर फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर इनका नाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने दिया था। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो टॉप फोर रेसलिंग में है फ्री स्टाइल 86 केजी के अंदर, उनमें से एक हमारे दीपक पुनिया जी हैं, जिनकी रैंक दूसरे नंबर पे आती है। मैं बता दूं आपको कि 22 साल की उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था ओलंपिक के अंदर। जितने भी रेसलर थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। ये शहर झांसी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से रहने वाले हैं और इन्होंने रेसलिंग काफ़ी यंग एज से शुरू कर दी थी। इन्होंने बताया है कि ये जैसे इनके पापा और इनके दादा किया करते थे, उस चीज़ को ही आगे करना चाहते थे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने जो लोकल अखाड़ा थे वहाँ पे आप कह सकते हैं प्रैक्टिस करी थी और थोड़े पैसे कमाए थे। पर उसके बाद इन्होंने स्टेडियम ज्वाइन करा जहाँ पे इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी, और उसके बाद इनका नाम और आगे बढ़ता गया और इन्होंने काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन में अपने नाम करे थे। दीपक पुनिया जी ने पहली बार 2016 में सब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक काफ़ी अच्छे प्रदर्शन के साथ लोगों को बता दिया कि वो भी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ 86 कैटेगरी के अंदर दीपक पुनिया जी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल एशियन चैंपियनशिप और मैथ्यू पेलिकोन टूर्नामेंट में जीते थे। इसके बाद उन्होंने सिल्वर जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 के अंदर, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद हुई टोक्यो 2020 में, आप कह सकते हैं यहाँ पर रेसलिंग करने की मदद के लिए। क्योंकि जो भी आप कह सकते हैं रेसलर होते हैं या फिर कोई भी प्लेयर जो ओलंपिक खेलने वाला है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद उसे ओलंपिक खेलने का मौका मिलता है। तो उनकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने के बाद ओलंपिक वालों ने भी डिसाइड कर लिया कि उन्हें दीपक पुनिया जी को मौका देना चाहिए। मैं बता दूं इनकी उम्र 22 साल है और जो स्पोर्ट खेलते हैं वो रेसलिंग खेलते हैं। रैंक इनकी पहली आती है 86 केजी के अंदर में और इनका पहला ओलंपिक टोक्यो 2020 ही होने वाला है। अगर इनकी मेजर अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो इन्होंने सिल्वर जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जो कि 2019 में हुई थी, और इसके बाद एशियन जूनियर चैंपियनशिप जीता था 2018 के अंदर, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था 2019 के अंदर और सिल्वर जीता था 2018 में। एशियन चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो जो न्यू दिल्ली में हुआ था 2020 में, वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उसके बाद आप कह सकते हैं 2019 में एशियन चैंपियनशिप ही ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 86 कैटेगरी के अंदर। तो आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस हर साल बहुत बेहतरीन रही है, हमेशा कोई ना कोई मेडल जो है इन्होंने जीता है। आगे बात करें इनके क्वालिफिकेशन की, किस तरीके से इन्हें मौका मिला टोक्यो ओलंपिक के लिए, तो मैं बता दूँ आपको कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अनाउंस करा था कई सारे डिफरेंट वेट कैटेगरी के अंदर अलग अलग लोगों को। उसी लिस्ट के अंदर दीपक पुनिया जी का नाम था सेकंड नंबर पे, जो ईरान के हसन याजदानी हैं उनके बाद। और मैं बता दूं आपको 86 केजी के अंदर फ्री स्टाइल में रेसलिंग के जो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है कि ये टोक्यो ओलंपिक खेल सकें। आगे अगर मैं इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस रही थी थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी, क्योंकि जो पोलैंड ओपन होने वाला था वहां से इन्होंने खुद को पुल आउट कर लिया था, क्योंकि इनको एक इंजरी हुई थी उसकी वजह से ये रिकवर नहीं हो पाए थे। इस वजह से इन्होंने कहा कि ये उसे नहीं खेलेंगे। इनकी जो लेफ्ट एल्बो की इंजरी थी उसकी वजह से इन्होंने बोला कि ये नहीं खेल पाएंगे पोलैंड ओपन। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूं आपको, यहां पे जो UWW है उसने दीपक पुनिया जी का नाम जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर में लिखा था, जिससे कि इन्हें नंबर वन रैंक मिलती है रेसलिंग में 86 केजी डिवीजन के अंदर। आप देख सकते हैं कि इतनी दिक्कतों के बावजूद, इनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होने के बावजूद, पोलैंड में ना खेलने के बावजूद इन्होंने इतना आप कह सकते हैं नाम करा था, और टोक्यो में भी इन्हें मौका मिला खेलने का। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा आपको लास्ट में कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको यहाँ पे आप कह सकते हैं नए नए मौके मिलते रहेंगे और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को अपने ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।